रिकी है और इससे पहले नगर परिषद का ये सिटी मैनेजर गोदरा साहब थे, वो स्थिति ऐसा कर दिया कि एक कम्प्लेक्स में दिया गया था छोटा छोटा आदिवासी को कम्प्लेक्स, उसको 50,000-40,000 ले लेके बैठाया गया और उस गरीब को हटा दिया गया और वो आज गरीब भटक रहा है, वो स्थिति आ गया है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनका आरोप है कि पैसा लेकर कॉम्प्लेक्स और शेड का आवंटन किया गया और अभी उन्हें हटा दिया गया, पैसा जमा भी नहीं हुआ होगा, नगर परिषद में वो पैसा जमा भी नहीं हुआ है, इसके बावजूद हटा दिया गया। अब इस मामले में बोलने में क्या, इनकी जो समस्या है वो गंभीर है। अब हम इनसे ये भी जानेंगे कि आप ये इस मामले में विधायक से मुलाकात करके विधायक से कभी सेम रखे थे? विधायक जी का वैल्यू नहीं दिया गया, नहीं गए थे हम लोग तो। जैसे इनके इनसे जानते हैं कि सिमडेगा विधायक से आप मुलाकात किए? मुलाकात किए थे विधायक साहब, बोले थे हमको कि जब तक नहीं बनता है तब तक बैठा जाए, लेकिन विधायक साहब का कोई वैल्यू नहीं दिए। हमारा झारखंड का सिमडेगा वासी का रहने वाला है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि सिमडेगा विधायक का भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बात का यहाँ पर मान सम्मान नहीं रखा गया, और इस मामले में जब शहर में इतना बड़ा भारी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, लेकिन सिमडेगा विधायक की ओर से अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। अभी तक सिमडेगा विधायक भी इस मामले में मौन है। त्योहार का सीजन है, लेकिन विधायक एक बार भी शहर का भ्रमण करके इन दुकानदारों का समस्याओं को नहीं जाना है। अगर विधायक इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का दर्द उन्हें पता होना चाहिए, तो एक बार इन दुकानदारों से आकर मुलाकात करने की आवश्यकता है, लेकिन विधायक अभी तक इनके पास नहीं पहुंचे हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। हम विधायक जी से भी आग्रह करेंगे कि वे इनकी समस्याओं को सुने, और खासकर अभी दीपावली और छठ का माहौल है, ऐसे में ये लोगों का विशेष रूप से अपने परिवार चलाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है, अच्छा धंधा का समय होता है, लेकिन विधायक जी भी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन और सिस्टम के जो चक्की है उसमें ये लोग पिस रहे हैं और दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा